10 एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी. फर्स्ट फ्रेज आई हैव डन एंड डस्टेड. डन एंड डस्टेड मीन्स कंप्लीट एंड रेडी. कोई काम पूरी तरह से तैयार हो गया है तो आप उस फ्रेज को यूज करते हैं डन एंड डस्टेड. मीन्स वर्क इज डन तो आप यूज करेंगे वर्क इज डन एंड डस्टेड. मीन्स किसी तरह से कोई भी अधूरापन नहीं रहा है. द प्रोजेक्ट इज डन एंड डस्टेड मीन्स प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है. सेकेंड फ्रेज आई हैव टॉक इन रिडल. रिडल मीन्स होता है पहेली. हु डजंट टॉक क्लियरली जो क्लियर बात नहीं करता हो घुमा फिरा के बात करता हो उसको बोलते हैं टॉक इन रिडल. डोंट टॉक इन रिडल मीन्स पहेलियों में बात मत करो. कम टू द पॉइंट अपने पॉइंट पे आ जाओ. अनदर फ्रेज आई हैव टॉक टर्की. टॉक टर्की मतलब होता है डिस्कस ऑनेस्टली फ्रेंकली डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे बात करना मुद्दे पे आ जाना. एग्जाम्पल देखिए लेट्स टॉक टर्की यू डोंट हैव अ जॉब डू समथिंग मीन्स आप सीधे मुद्दे पे आ जाओ. इधर उधर घुमा फिरा की बातें मत करो. यू डोंट हैव ए जॉब अभी तुम्हारे पास जॉब नहीं है. डू समथिंग कुछ करो. सेकेंड फ्रेज आई हैव टॉक स्मैक. टॉक स्मैक का मतलब होता है पास इंसल्टिंग कॉमेंट क्रिटिसाइज समवन मतलब किसी को गलत बोलना गलत कॉमेंट देना आलोचना करना. एग्जाम्पल देखिए राम और श्याम जब भी लड़ते हैं एक दूसरे को इंसल्टिंग कॉमेंट देते हैं. नेक्स्ट फ्रेज आई हैव टॉक सेंस. सेंस मतलब होता है समझ दिमाग से समझदारी से मीन्स समझदारी वाली बातें करो. स्टॉप द क्रैप टॉक सेंस मतलब फालतू की बातें मत करो. टॉक सेंस समझदारी वाली बातें करो. नेक्स्ट फ्रेज आई हैव अप इन आर्म्स. अप इन आर्म्स का मतलब होता है वेरी एंग्री प्रोटेस्ट एंग्रीली विद्रोह करने वाले को बोलते हैं अप इन द आर्म्स. वर्कर वर अप इन आर्म्स अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी मीन्स वर्कर ने न्यू पॉलिसी के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाई अपना गुस्सा दिखाया अपना प्रोटेस्ट दिखाया. नेक्स्ट फ्रेज आई हैव लुक पजल्ड. पजल का मतलब होता है कि बहुत ही हैरान होना कंफ्यूज हो जाना तो उसको बोलते हैं कि लुक पजल्ड. यू लुक पजल्ड तुम हैरान लग रहे हो. नेक्स्ट फ्रेज आई हैव स्पीक अप. स्पीक अप का मतलब होता है ऊंचा बोलो जोर से बोलो तो आप बोलते हैं स्पीक लाउडली. तो आप इस फ्रेज को यूज़ करिए बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगा. स्पीक अप प्लीज़ कुड यू स्पीक अप क्या आप थोड़ा जोर से बोलेंगे. नेक्स्ट फ्रेज आई हैव डाउन एंड आउट. डाउन एंड आउट का मतलब होता है नो मनी नो लक नो होम मीन्स जिसके पास कुछ भी ना हो बिल्कुल ही डाउन हो तो आप उसको बोलेंगे डाउन एंड आउट. यू शुड गिव अ हेल्पिंग हैंड टू डाउन एंड आउट मतलब आपको अपना हेल्पिंग हैंड मतलब सहायता देना चाहिए जिसके पास कुछ भी ना हो जो डाउन एंड आउट हो. नेक्स्ट फ्रेज आई हैव इन लो स्पिरिट. इन लो स्पिरिट का मतलब होता है वेरी सैड. जब इंसान बहुत उदास हो जाता है तो उसके लिए आप इस फ्रेज को यूज़ करिए इन लो स्पिरिट. मैंने उसे दुखी देखा इसलिए मैं उसे बाहर चलने के लिए पूछा. आई फाउंड हर इन लो स्पिरिट सो आई आस्क हर टू गो समवेयर आउट. दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू.